पता नहीं सही लाइन में लगे कि लगे, क्योंकि बगल में भी एक लाइन है जो बहुत बड़ी है और चल नहीं रही, और हम इसमें आ गए। करे चलियो बाबा को मंदिर पास आई है, करे चलियो। थोड़ा स्लो चला, बहुत मजा आ रहा। ये बड़े बड़े जहाज, ये बड़े बड़े झरने, बहुत मजा आ रहा कसम से। हे गाइस, वेलकम बैक टू एक्सप्लोरर यादव। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दो नए चेहरे दिख रहे हैं, हालांकि इस चैनल के लिए नए नहीं है, दोनों मेरे ब्रदर इन लॉ हैं और कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं, जो कि हम बाद में रिवील करेंगे। पहले मिल लो इनसे। क्या नाम है भाई आपका? मनीष कुमार यादव। मनीष कुमार यादव। दोनों पुलिस वाले हैं और ये हैं पारस भाई। और इस गुटूटी से मिलो, ये नई गुटूटी है हमारी। हाय। तो हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ एक वो गाड़ी जा रही है और एक अपनी सल्टो जा रही है। बाकी इसका रिव्यू सारे सारे शर्माते हैं, इनको तो जानते ही हो। हाँ बैठो। मैडम शिवा यार। ने बढ़ाओ गेट लगाए ने। हे गाइस, ज़्यादा बता नहीं पाया निकलते टाइम पे। सो हम लोग खाटू से हम जा रहे हैं। अभी एक छोटा सा हॉल्ट लिया है हमने सीएनजी डलाने की, उस वाली गाड़ी में जो डिज़ायर आई है साथ में उसमें, और अपना ये सेल्टो से खड़ी हुई है। एंड आज बताऊंगा इसका एवरेज वगैरह कैसा है और क्या है सारी चीज़ें। मैंने वो रीसेट कर दिया था, ट्रिप मीटर जो होता है उसको रीसेट कर दिया। एंड वो अभी गुड़गांव से ऑलमोस्ट 70-75 किलोमीटर ही निकले, रेवाड़ी क्रॉस किया है जस्ट। वो एवरेज वगैरह कैसा है, कैसी चल रही है, और टैंक टू टैंक बताऊँ मैं आपको कैसा चल रहा है इसका सारा सिस्टम, चलने में कैसी गाड़ी है। 45-50 कितने का ही? 5 का ही है। 5 10 ही हो गए। 30 कहीं खाना नहीं खा रहे? पता नहीं आगे खाएंगे। तो गाइस हॉल्ट ख़त्म हो गया हमारा, तो ये मैंने ट्रिप रीसेट की थी, तो इस ट्रिप के हिसाब से चल रहा है अभी 14.7 का एवरेज, 83 किलोमीटर चल के आ गए गुड़गांव से। उसमें सीएनजी डलवानी थी उस गाड़ी में, डलवा दी और आगे निकल गए। ये देखो नई नई गौ वाली। नई नई गौ वाली बोले कि पता चलेगा। ये साइड नहीं बहू खोल के देख दी। अबे बहू को पारा नहीं गाय ने बैठी बहू। हेलो गाइस, हमने लिया है दूसरा ब्रेक और ये ब्रेक लिया है हमने खाने के लिए, लंच के लिए। शुरू भी कर चुका है इधर, शर्म भरम नहीं है। ये देखो घर से लेके आए थे और कुछ सामान, इससे मिलनी भी नहीं मिल रही आपको। बिट्टी बिट्टी पूपा पूपा पूपा, ये इसकी बेटी है। पूपा का कह रहे हैं मटर पनीर। इसे बस लेग पीस की कमी है। अरे हम दो लेग नहीं जो। तो वैसे ये वाला जो स्टॉप है वो 125 किलोमीटर के आसपास है। नीमराना क्रॉस कर चुके हम लोग, एंड नीमराना से सीधा जयपुर के लिए निकले, और मतलब जयपुर नहीं जाएंगे, जयपुर से पहले हम उड़ जाएंगे खाटू श्याम के लिए, ठीक है। और बीच में एक ऐसे ही लंच डिनर ब्रेकफास्ट जिसका नाम नहीं पता मुझे क्या है, पर मस्त आया है ऐसा खुला खुला एकदम, ज़्यादा गर्मी नहीं है। और सर कैसा मजा आ रहा है? बढ़िया बढ़िया। फील वेरी कूल। और आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी सफर है 2 घंटे का लगभग। बहुत मजा आ रहा, ये नंबर बहुत मजा आ रहा।
ये बड़े बड़े जहाज, ये बड़े बड़े झरने, बहुत मजा आ रही है कसम से। शेर भाई 60 किलोमीटर रह गया यहाँ से रिंगस। लोगों को कुछ दिक्कत आ रही थी, गाड़ी रोकनी पड़ी हमें। आप चलिए आगे पहुंचते, 60 किलोमीटर और रह गया रिंगस। रिंगस मोल चल 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 जो भी है 60-70 किलोमीटर में बस पहुंच। कुल मिलाए के अपडेट देते हैं, कुल मिलाए के साफ सुथरी अगर भाषा में बताएं तो मुश्किल से मुश्किल, मुश्किल से मुश्किल 35 मिनट बिल्लू तो आई जेल से भरा। सो गाइज हम लोग पहुंच गए हैं खाटू श्याम पार्किंग में, जिस लगाई है बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो मतलब प्राइवेट पार्किंग है। ट्रिप दिखा देता हूँ मैं फटाफट से, ट्रिप दिखाना भूल गया था यार। सब निकल गए वो उधर है, जल्दी आ जा। ट्रिप 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 नहीं दिखाया गया। हाँ ये रही, तो 277 किलोमीटर मेरे घर से एंड 16 का एवरेज चल रहा है, 5 घंटे मतलब 6 घंटे के आसपास चला है ये पूरा। ठीक है सो बंद कर देते हैं फटाफट से इसको, पार्किंग लगा दी। पार्किंग क्या यार मुझे रुपए नहीं पता यार इधर, ऐसे वो उसने दिया रिक्की ने, विक्की ने। तो भाई चप्पल अप्पल सब अपन ने डिक्की में डाल दी, ठीक है सबकी। और ये जो पार्किंग है ना, और ये जो पार्किंग है यहाँ से बस 200 मीटर है मंदिर, यहीं उतार दी सारी, इसमें रख दी। चलो जो पागल बाके बिहारी का। बलहारे के सहारे बाबा श्याम की जय। टूटी जय, टूटी जय कर दो। तो गाइस ये ऑलमोस्ट जो रास्ता दिख रहा है ना, ये मथुरा वृंदावन जैसा ही है देखने में, एकदम ऐसे ही लग रहा है। नीचे भी वैसा ही है और ये भी वैसे ही है, दुकानें वगैरह सब सेम फीलिंग आ रही है, एकदम लग नहीं रहा राजस्थान में। जय ओ हो जय हो रही है, देख जय जय बोलो। अरे आओ जल्दी, तुम लोग कड़े चलियो बाबा को मंदिर पास है, कड़े चलियो पर बाबा श्याम की जय। जय करो जय करो जय। तो गाइस ये है श्री श्याम कुंड, और मंदिर जाने से पहले यहाँ पे आते हैं मतलब पैर वैर धोने के लिए। दिखाता हूँ मैं कुंड कैसा है, मिट्टी ये ना गिरा दे। नीचे जाने वाले क्या कुंड
है इसमें, पाँव गीले करने पड़ते हैं, धोने पड़ते हैं पहले एक तरीके से, फिर उसके बाद मंदिर जाओ आप। चलो आजकल बीजा पानी पानी हाँ आजा 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 चलो चलो बोल कादू शाम की जय करो जय 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 बाबू जय। तो गाइस ये श्री श्याम बुंदा और बोलते उसमें जाने से जो भी आपकी बीमारियां वगैरह है वो सब दूर हो जाती है। वापस दिखा देता हूँ, बहुत मस्त लग रहा है। तो गाइस ये गुलाब और प्रसाद वगैरह जितना नीचे से ले लोगे आप, मतलब पहले ले लोगे, उतना ही ज़्यादा सस्ता मिल जाएगा। जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे मंदिर के पास में चीज़ें महंगी होती जाती हैं। सेम चीज़ झंडे के साथ में, ये झंडे दिख रहे हैं वो पहले ही ले लो, और प्रसाद वगैरह जो भी है सारा सिस्टम, वरना आगे बहुत महंगा हो जाता। जय कद्दे में तो ये जैसे मथुरा वृंदावन में लगाया था राधे राधे वाला, वो लगा लिया, टूटी को भी लगा दिया। ए नहीं नहीं ओहो टूटी ने हटा भी दिया। गाइस फाइनली पहुंच गए जो बहुत ही फेमस सीन आपने देखा होगा खाटू श्याम का, पहुंच गए चलो वो निकल गया यार आगे। और जगह इंदर में फटा के निकाल तो इंदर लग गया, पता नहीं सही लाइन में लगे कि नहीं लगे, क्योंकि बगल में भी एक लाइन है जो बहुत बड़ी है और चल नहीं रही, और हम इसमें आ गए। सो गाइस फाइनली दर्शन हो गए, आज उतनी भीड़ नहीं थी जिस हिसाब से हमने सोचा था कि वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड है और इतनी भीड़ होगी, पर उतनी भीड़ नहीं थी, आराम से दर्शन हो गए बढ़िया तरीके से, और मेरे थ्रू आप लोग भी दर्शन कर लो, वीडियो एकदम क्लियर आई है, ठीक है, और जो मांगना मांग लो भाई भगवान से। सो गाइज हम लोग दर्शन करके निकल गए हैं, खाना पीना भी खाया नहीं है, टाइम हो रहा है 9:30 और जा रहे हैं जयपुर। सो मीटर रीडिंग दिखा देता हूँ मैं, 277 है, 16 का एवरेज चल रहा है,
और बाकी सारी चीजें रास्ते में बताते जाऊंगा। साढ़े नौ हो रहे हैं, डेढ़ घंटे के आसपास हम पहुंच जाएंगे जयपुर और फिर खाना वाना खा के वहीं स्टे करेंगे एंड देन कल जयपुर का टूर करेंगे। ठीक है, हो सकता है अगर ब्लॉग बड़ा हो तो मैं ये ख़त्म कर दूंगा, नहीं तो फिर जयपुर का ऐड कर देंगे। जैसे दर्शन हो गए हमें तो इतने खाने, ठीक है हम तो घूम के, अगर जैसे जयपुर नए घूमने हो तो इनसे घूम। हमारा नेता कैसा हो पूजा बहन जी जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो पूजा बहन जी जैसा हो।